हेलो एंड वेलकम, मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए। बहुत ही स्पेशल सा ड्रिंक है और सभी को पसंद आता है, तो फोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं बताने जा रही हूँ आपको कैपेचिनो कॉफ़ी। कैपेचिनो कॉफ़ी सुनने में और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो देखिए, मैंने इसके लिए नेस्कैफे की 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है। आपको जो कॉफ़ी पसंद हो वो कॉफ़ी आप ले सकते हैं। और इसे मैं दो तरीके से आपको, दो चीज़ों से बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसे घर में आप आराम से बिना किसी मशीन के भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर कॉफ़ी को डाल दिया है, और जितनी कॉफ़ी है उतना ही शुगर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी उस प्याली में लिया हुआ है, 1/2 कप पानी है, तो मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मेरा विस्कर है, 25 रुपये का आता है, और ये मेरा हैंड ब्लेंडर है। तो मैं दोनों को यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। जिसके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है वो इस विस्कर का यूज़ करके बड़े आराम से इस कॉफ़ी का मज़ा अपने घर में आराम से ले सकता है, उसे रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ड्राई शुगर और कॉफ़ी को मिक्स कर दूँगी विस्कर की मदद से। इस तरह मिक्स करने के बाद इसमें वो गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और इसे फेंटती जाऊँगी। गर्म पानी है ये, रखा रहने से उसका थोड़ा टेम्परेचर लो हो गया है, तो वो बहुत अच्छा है। अब इसे इस तरीके से मिक्स करना शुरू करूँगी। तो देखिए, ये अभी कितनी डार्क कलर की है, लेकिन जब मैं इसे इस तरीके से फेंटती जाऊँगी तो इसका कलर लाइट होता जाएगा। अब आपको जितनी ताकत है उतनी तेज़ी से आप इसे इस विस्कर से फेंट सकते हैं। जैसे जैसे ये फेंटी अच्छी तरीके से फेंटी जाने लगेगी, वैसे वैसे इसका कलर लाइट होता जाएगा। ये देखिए, मैंने विस्कर से फेंटा है ऐसे करीब 5 मिनट तक, और ये देखिए लाइट कलर की हो गई है। विस्कर को मैंने रख दिया। अब मैं आपको ये ब्लेंडर यूज़ कर, हैंड ब्लेंडर यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मैंने इसके 2 स्पूल थे, मैंने एक ही लगाया है, और इसे इस तरीके से फेंटना शुरू करेंगे। इसे लोएस्ट स्पीड से फेंटना शुरू करेंगे, और ये देखिए और भी लाइट कलर इसका होता चला जाएगा। ये देखिए, इसका फेंटी जा चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन अभी उसे फेंटना बाकी है। आप ये देखिए, पहले जो कम फेंटी हुई थी वो डार्क कलर की है, और ये देखिए फेंट के ऐसी हो गई है कि इसे पलट देने पर भी ये गिरती नहीं है। ये इस बात का साइन है कि ये अच्छी तरीके से फेंटी जा रही है। और फेंटने में ये देखिए, ये डार्क कलर है ये जो कम फेंटा हुआ है, और ये जो ज़्यादा फेंटा हुआ है ये लाइट कलर है। तो अब वो बाकी का पानी भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और मैं इसे फेंट दूंगी। और आप देखेंगे कि ये प्याला फेंटने के बाद जब पूरी तरीके से फेंटी जाएगी, विप हो जाएगी, तो ये प्याला मेरा भर जाएगा। तो मैं अब इसे लोएस्ट स्पीड से स्टार्ट करके हाईएस्ट स्पीड तक ले जाऊंगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर शुगर के बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं रहेंगे और शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये देखिए, जब भी इसे रोक कर निकालने चलें तो पहले बंद करें, उसके बाद इसे उसमें से उठाएं, और ये देखिए ये कॉफ़ी अच्छी तरीके से विप होकर बिल्कुल क्रीम बन गई है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी और शुगर है। तो इसे आप कंटेनर में रखकर, फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल इसे बनाया था, और आज मैं इसकी कॉफ़ी आपको बनाकर दिखाने जा रही हूँ। कल मैंने वो कॉफ़ी फेंट कर फ्रिज में इस कंटेनर में डालकर रख दी थी। अब आज दूसरा दिन है और मैं इस कॉफ़ी को अब बनाने जा रही हूँ। तो दूध देखिए मैंने गर्म होने रख दिया है, दूध गर्म हो ही चुका है, तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि इस कॉफ़ी को कैसे कॉफ़ी में कन्वर्ट करते हैं, इस क्रीम को, कॉफ़ी क्रीम को कॉफ़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए। तो 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए 2 चम्मच ये लेना है, और इतना जो ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ है इसमें कम से कम 8 से 10 कप कॉफ़ी बनेगी। अब ये देखिए मैंने 2-2 चम्मच दोनों में डाल दिए, और अब मैं ये गरम दूध को इसमें डालूँगी, थोड़ा ऊपर से डालूँगी, देखिए ऐसे ऐसे। ये और अब ये दूसरे कप में भी मैं डालूँगी इसी तरीके से ऊपर से। तो ऐसे ऊपर से रखने से वो थोड़ा सा अच्छा बीट हो जाएगा जो क्रीम हमने उसके अंदर डाला है। वैसे उसे स्पून से मिलाने की तो ज़रूरत है ही, तो आप देखिए इसे स्पून से मिला देंगे। अब ये क्रीम और वो दूध मिक्स होके कॉफ़ी तैयार हो गई है, और इसके ऊपर ये झाग जो है इसका बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही ज़बरदस्त सा झाग बन के तैयार हुआ है। और ये कैपेचिनो कॉफ़ी आपने देखा होगा, कैपेचिनो कॉफ़ी के ऊपर वो कुछ डिज़ाइन बनाते हैं रेस्टोरेंट वाले, पत्ते बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने ले ली ये ताज़ी मलाई, ताज़े दूध की मलाई गर्म की हुई, और अब मैं इसे एक स्टिक से हिलाकर डिज़ाइन बना दूंगी। मुझे जो डिज़ाइन बनाना आती है वो मैं बना रही हूँ। वैसे पत्ता भी बनाती हूँ मैं, पर इतना परफेक्शन से नहीं बनता है जितना परफेक्शन से वो रेस्टोरेंट वाला बनाता है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट कैपेचिनो कॉफ़ी का हुआ है। और आप जब चाहें तब ये कॉफ़ी बनाएं, इस कॉफ़ी को फेंट कर कंटेनर में भर के आप एक हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। जब दिल चाहे वो क्रीम लिया, दूध मिलाया और कॉफ़ी तैयार है। तो आप इसे बनाइए, सबको पिलाइए, खुश रहिए। वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।